रंडी रोना बंद कर और अपनी लाइफ खुद बदल मतलब क्या है इस बात का है? मतलब ये है कि कई लोग बहुत रंडी रोना करते हैं आप बोलोगे रंडी रोना क्या आई होता नो इट्स अ टर्म जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बोलते थे आई थिंक पीपल इन कॉमेंट्स बिलो कैन एक्सप्लेन बेटर वॉट एग्जैक्टली द टर्म रंडी रोना मीन बट इट जस्ट आई गेस द इंग्लिश वर्ड अगर इसका मैं कहूं तो इट्स लाइक वाइनिंग इट्स लाइक रोना बहुत ज़्यादा रोना धोना करना कि हाय मैं बर्बाद हो गया हाय मेरे साथ ये नहीं ठीक हो रहा हाय मेरे साथ वो नहीं ठीक हो रहा हाय मेरे साथ ये नहीं ठीक हो रहा देखो यार हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं आपको एक इंसान नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में तकलीफें ना हो किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती कोई भी कंडीशंस आइडियल नहीं होती कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला मेरे को मैं बिलियनियर्स को भी जानता हूँ मैं मूवी स्टार्स को भी जानता हूँ सब सबके सब साथ मैंने इंटरेक्ट किया और मैंने देखा सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रामा चल रहा होता है कोई ना कोई चीज़ ठीक नहीं होती कोई ना कोई चीज़ वो बदलना चाहते हैं कुछ ना एंड दैट्स ओके वही जिंदगी है राइट right? लेकिन कुछ लोगों की ये मेंटालिटी बन जाती है कि वो अपनी लाइफ में जो जो उनके आसपास गलत हो रहा है उसी का रोना लेके बैठ रहते हैं रंडी रोना लेके बैठ रहते हैं कि यार मेरा तो हुआ नहीं अब यू you नो know, इतना ये एग्ज़ाम फेयर नहीं था आउट ऑफ कोर्स आ गया मेरे मार्क्स कम आ गए ओ यार वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई मैं तो उससे इतना प्यार करता था बेवफा निकली के लिए ओके okay. ओ यार वो तो मेरा बिजनेस मेरा करने का मन था लेकिन उस टाइम पे यू नो कुछ और हो गया मेरी लाइफ में मैं कर नहीं पाया वाला यहाँ जाना पड़ गया वहां जाना पड़ गया स्टॉप इट बस एक ये सारे जो ये सारे जो रंडी रोने होते हैं ना ये एक कैटेगरी के होते हैं इफ ेव बेटर माई लाइफ वुड भी बेटर फिर से बोलता हूँ इफ अदर्स बिहेव बेटर माई लाइफ वुड भी बेटर मतलब और लोगों ने कुछ अलग किया होता तो मेरी लाइफ बेटर हो जाती और लोग बेहतर बिहेव करते तो मेरी लाइफ बेटर हो जाती अगर मेरे पापा ने मुझे बचपन में सही गाइड किया होता तो आज मैं कहीं और होता अगर मेरी मम्मी ने मुझे सही टाइम पर ये वाली कोर्स के लिए कहा होता ये वाला ना कहा होता तो मेरी लाइफ कहीं और होती अगर मेरे दोस्तों ने मेरी फ्यूचर का ध्यान रखा होता और मेरी टाइम ना वेस्ट किया होता मेरी लाइफ बेटर होती अगर उस लड़की ने मेरे साथ ब्रेकअप ना किया होता तो मेरी लाइफ बेटर होती अगर वो जॉब इंटरव्यू में वो बंदा मेरे खिलाफ ना होता तो मेरी लाइफ बेटर होती बस करो अगर किसी और ने कुछ किया होता तो मेरी लाइफ बेटर होती दिस इज द स्क्रिप्ट अब इसमें कुछ भी बना लो अगर भगवान ने मौसम बेटर किया होता तो आज मैं ज्यादा खुश होता अगर मेरे पास हेल्दी खाना होता तो मैं अनहेल्दी ना खाता भाई आप एंडलेसली ये बातें कर सकते हो और, और मैं एक बात बोलू ये बातें सच भी हो सकती हैं मैं ये नहीं कह रहा बहाने या झूठ है शायद सच भी है यू you नो know? सच है कुछ लोगों ने मेरे साथ दगाबाजी करी है लाइफ में हुई है मेरे साथ भी हुई है अब आई कैन से अगर वो दगाबाजी ना करते आज मेरी लाइफ बेटर होती मैं ज्यादा खुश होता उससे होगा क्या सिंपल सा रूल है रूल है ऑब्जर्वेशन है लाइफ की जो भी बोलो कि हम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते हम किसी और इंसान को नहीं कंट्रोल कर सकते ये तो रूल है ना लाइफ में तुम अपने दोस्तों को नहीं कंट्रोल कर सकते तुम जॉब इंटरव्यूअर को नहीं कंट्रोल कर सकते तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं कंट्रोल कर सकते तुम माँ बाप को भी नहीं कंट्रोल कर सकते किसी को नहीं कंट्रोल कर सकते तुम तो जो चीज़ें तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल है उनका रंडी रोना लेके बेटर हो गया कि उन लोगों ने अगर कुछ और कर दिया होता तो मेरी लाइफ बेटर होती तो तुम्हारी लाइफ बेटर कैसे होगी तुम्हारा रंडी रोना तो तुम्हारे पास ही है उन तक तो पहुंच भी नहीं रहा है और उन तक पहुंचेगा भी तो वो नहीं बदलेंगे तो तुम क्या करोगे ऐसे ही पढ़े रहोगे ऐसे ही जीते रहोगे अपनी पूरी जिंदगी बिता लोगे रंडी रोना कर, कर करके ऐसे लोग हैं क्रिबर्स वाइनर्स आई एम श्योर आपके सर्कल में होंगे लोग जो सारा टाइम दुखी आत्मा है बस ड्रामा ही करते थे ये नहीं ठीक हुआ वो नहीं ठीक हुआ या फिर आप कह सकते हो कि यार मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ मैं क्या बदल सकता हूं चेंज समथिंग कुछ बदल अपनी लाइफ में अपने बारे में बदल अनफिट है तो फिट हो जा अनहेल्दी खाता है तो हेल्दी खाने लग जा ज्यादा खाता है तो कम खा एक जॉब नहीं लगी तो दूसरी में अप्लाई कर चार नहीं लगी तो पांचवे में कर फिर पता कर क्यों नहीं लग रही सोच और वो अपनी चीज इंप्रूव कर तेरे में जो कमी है वो वो ढूंढ कभी भी किसी और की क्रिटिसाइज करते रहना उससे कुछ अजीब नहीं होगा क्योंकि तूने उसी वक्त जब तू ये बोलता है कि यार इन लोगों ने ये कर दिया तो मेरे साथ सही नहीं हो रहा तूने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाई दिया तूने कहा कि मेरी लाइफ अब अच्छी या बुरी हो वो एक वेव की तरह है या ऊपर होगी या नीचे की मेरे हाथ में नहीं मेरे साथ बुरा हो गया मेरे साथ अच्छा हो गया मेरे साथ बुरा हो गया मेरे साथ अच्छा हो गया, गया।, अच्छा गया। तू एक ऐसे प्लास्टिक की बॉल है लहरों पे जो ऊपर नीचे हो रही है समुन्द्र में लहरा ऊपर जाती है तो बॉल ऊपर गई नीचे गई तो नीचे गई तो अपने आपको ऐसे सोच रहा है ये तेरा मेंटल फ्रेम वगैरह तो दुनिया को ऐसे देखता है कि दुनिया मेरे को ऊपर डालती है नीचे डालती है ऊपर डालती है नीचे डालती है तो ये नहीं देख रहा कि ये बॉल एक्चुअली खोखली प्लास्टिक की बॉल नहीं है ये एक मशीन है जिसको मैं आगे भी ले जा सकता हूं पीछे भी ले जा सकता हूँ पानी के बाहर भी ला सकता हूँ बीच पे भी ले जा सकता हूँ सड़क पे भी ले जा सकता हूँ ये गाड़ी है छोटी सी मेरी लाइफ और मैं इस गाड़ी को कहीं भी ले जा सकता हूँ खिलौना नहीं है किसी ने भी लात मार दी बॉल नहीं है किसी ने भी किक कर दिया मेरी लाइफ है और अगर मेरे को अपनी लाइफ बेटर करनी है तो मेरे को ये बकवास बंद करनी पड़ेगी इसने ये कर दिया इसने कर दिया मैं तुम्हें एक बात बताऊं लोग तुम्हें हमेशा डिसअपॉइंट करेंगे तुमसे ज़्यादा तजुर्बा ना मुझे लाइफ का जो लोग ओल्डर लोग यहाँ पे आए हुए हैं यूट्यूब चैनल में वो भी अपने कॉमेंट्स में जरूर लिखें जिंदगी में लोग तुम्हें डिसअपॉइंट करेंगे निराशा देंगे लोग कोई भी हो तुम्हारे करीबी लोग तो ज़्यादा देंगे हाँ अपने पे किया हुआ काम अपने काम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए वो चीज़ भी निराशा दे सकते हैं लेकिन कम देगी ज़्यादातर आपको फायदा ही होगा बट फॉर दैट यू हैव टू चेंज द वायरिंग इन योर ब्रेन विच विल कम बाय चेंजिंग द वे यू थिंक एंड स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं यार लोगों को तो मैं कंट्रोल ही नहीं करता लोगों ने तो अपने उल्टी पुल्टी हरकतें करती रहनी है मेरे साथ जिंदगी भर मैं क्या अपनी लाइफ को बेटर कर रहा हूँ हाउ डू आई इंप्रूव माई लाइफ वो करना तभी होगा जब फर्स्ट स्टेप की रंडी रोना नहीं करना एक तो किसी को अच्छा भी नहीं लगता लाइक लाइक द पर्सन जो रंडी रोना करता रहता है हाई ये हो गया वो हो गया नो बड़ी वॉन्ट्स टू बी अराउंड यू सेकेंडली यू डोंट कंट्रोल दोज पीपल तो बोलने से कुछ तुम्हारी लाइफ में बदलेगा नहीं एनर्जी वेस्ट हो रही है तीसरी बात तुमने कह दिया कि मेरी लाइफ मेरी कंट्रोल में नहीं है मैं एक फुटबॉलर हूँ जिसको कहीं भी कोई भी लात मार सकता है मैं एक कार नहीं हूँ जो कहीं भी जा सकते हो बट एक्चुअली तो आप जा सकते हो अगर आप बोलो आज जल्दी सोना तो जल्दी सो जाओ बोलो सुबह मुझे भागने जाना है तो जा सकते हो दूसरों की क्या जरूरत है राइट फील बेटर मे बी आफ्टर अ रन सो यू हैव टू गेट इन दैट मैं मजाक नहीं उड़ा रहा उन लोगों का जो रंडी रोना करते हैं बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट तुम्हें ब्रेन तुम्हारा लूप में चले जाता है बार बार वही बातें करेगा हाँ हाँ पर उसने जो दस साल पहले मेरे साथ किया आज तक मेरे को उसका दुख है अरे यार अरे यार दैट्स इट वही बंदा तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेगा सो लिव योर ओन लाइफ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक अकाउंटेबिलिटी शीशे में देखते बोलो जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में मैं क्या बदल सकता हूँ एंड जस्ट वर्क ऑन दैट यू के नॉट कंट्रोल पीपल सिंपल सी बात है यू कैनॉट कंट्रोल द वेदर यू कैनॉट कंट्रोल एनीथिंग सो वर्क ऑन योर सेल्फ अपने ऊपर काम कर रंडी रोना बंद कर और अपनी लाइफ को खुद संभाल खुद सवार और खुद आगे लेके टेक केयर हाई गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइक डिट डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट एंड टू इन्वाइट मी एज अ स्पीकर एट योर इवेंट प्लीज कॉन्टैक्ट माई टीम एट द कॉन्टैक्ट हेयर एंड ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टेक केयर